गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ एक चाउमीन। तो इस वीडियो को पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। चलिए प्लीज़। ये मैं चाउमीन ले लिया है, इसको हमने उबाल लिए हैं। और इसमें हमने कुछ प्याज ले लिए हैं, लहसुन, और ये टमाटर है, और ये कुछ सब्जी काट लिए हैं, ये मिर्चा ले लिए हैं। आप लोगों के पास जो भी सब्जी अवेलेबल होगा आप वो कीजिए। अब हम ये कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसके बाद गैस चला देते हैं। और हमने यहाँ दो अंडा ले लिया है और कुछ मसाला है। ये है चाउमीन मैगी चाउमीन मसाला। हाँ, ये नूडल्स मसाला है, ये डालने से उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने कुछ तेल डाल दिया इसमें, तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए देंगे। उसके बाद इसमें कुछ फड़ंग लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा जीरा दे दिया है, थोड़ा सा मिर्च दे दिए हैं, इसको थोड़ा होने देते हैं हल्का सा। थोड़ा सा लहसुन दे देते हैं और कुछ प्याज डाल देते हैं, इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। इसमें मेरा ब्राउन हो चुका है, मैं जितना सब्जी लिया था वो हमने डाल दिया। इसको हल्का सा 5 मिनट के लिए इसको ढक के थोड़ा पका लेते हैं। अब इसमें हम सॉस डाल दिया, हमने 2 टीस्पून जैसा सॉस डाल दिए। अब इसमें 1 टीस्पून विनीगर डाल देते हैं और ये सोया सॉस। इसको थोड़ा सा हल्का सा पका लेते हैं। 1 टीस्पून चीनी डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने जब उसको उबाला था तब भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। इसको अच्छा से पका लेते हैं। अब हमने सारा मैगी डाल और इसको अच्छी तरह से चलाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा मैगी हो गया है। अब हम प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। अब हम कढ़ाई फिर से गर्म कर देंगे एक को फ्राई करने के लिए। और हमने एक डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कर लेंगे जैसे अच्छा लगे। इसमें नमक थोड़ा डाल दिए हैं, हमने 2 एग लिया है। और इसको अच्छे से चला के दिखाते हैं। चलने दीजिए, थोड़ा सा होने दीजिए, जैसे बन गया और थोड़ा सा भुना हो जाएगा तो ग्रेवी और थोड़ा सा भुन जाता है। प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम जितना चाउमीन को डाल देंगे उसको अच्छा से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छा से मेरा मिक्स हो गया। अब ग्रेवी, अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ये देखिए यम्मी। आप ना आप भी ट्राई करके देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके बाय।